उत्तराखंड के नैनीताल में कक्षा 10 के कुछ छात्र छात्राओं ने असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन 15 से 17 वर्ष के बच्चों ने अपनी जेब खर्च के रुपयों से गरीबों को महीने में 5 दिन शाही खाना खिलाना शुरू किया है। मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले शाही खाना खाने से बहुत खुश हैं और बच्चों को दुआएं दे रहे हैं। ये प्रक्रिया पिछले 5 महीनों से इसी तरह से जारी है। नैनीताल के सनफाज स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 10 सदस्य दल के लीडर वैभव ने बताया कि कुछ महीने पहले उन्होंने सोचा कि लाख मेहनत और मजदूरी करने के बावजूद कुछ लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते, जबकि इसी देश में कई लोग शादियां और पार्टियों में खाना अधूरा छोड़ देते हैं। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया में एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि अमीरों की शादियों में लोग जितना खाना खाकर छोड़ देते हैं उतने में कई गरीब अपनी भूख मिटा सकते हैं, इसीलिए आप अपने हिस्से का खाना रखकर किसी गरीब की मदद कीजिए। इस संदेश से वैभव काफी प्रेरित हुए और उन्होंने ये बात अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर की, जिसके बाद पॉकेट मनी से हर बार 30 रुपए देना शुरू कर दिया गया। 10 बच्चों के रुपए जमा करने से 300 रुपए जमा हो गए। इस पैसे से उन्होंने लजीज मशरूम, पनीर, चिकन और अन्य सब्जियां रेस्टोरेंट से खरीदी। वैभव और उनके साथियों ने नंबर लगाकर रोटी और पूरी अपने घर से लगानी शुरू कर दी। उन्होंने मलिताल क्षेत्र में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को प्रेम से भोजन भी करवाया। इन बच्चों ने 15 से लेकर 20 लोगों को खाना खिलाया और चाय पिलाई। आज ये बच्चे लोगों के लिए एक मिसाल भी बने हुए हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के इस कदम की हर जगह सराहना हो रही है। सबसे पहले तो 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करते भिखारी ही इनके इस कदम से खुश हैं और इन्हें दुआएं भी दे रहे हैं। पहले अपना खाना खिला, खुशी आशीर्वाद आशीर्वाद इच्छा खुशी संगम होश इच्छा खुश भगवान दे जैसे आशीर्वाद दे खुशी। संवाद 365 के लिए नैनीताल से समीर साह की रिपोर्ट।